मैंने बहुत मुश्किल से लंच किया, खाया नहीं जा रहा है मुझसे, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो जयपुर जाते ही अगर आज हो पाए, आज नहीं तो कल एक डेंटिस्ट को दिखाना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग गाइस। तो मैं हम लोग थार डेजर्ट से निकल चुके हैं और वेदर काफ़ी क्लाउडी है। अभी टाइम हो रहा है 8:15। जल्दी निकलना था लेकिन कल रात को बहुत बारिश हुआ, बहुत सालों के बाद यहाँ पे ऐसे बारिश हो रहा है जो यहाँ के लोगों का कहना है। तो इसलिए आज सुबह थोड़ा सा लेट हम लोग उठे क्योंकि रात को सोए नहीं थे। तो कल जीप सफारी किया, कैमल सफारी की। जीप सफारी करते वक्त मुझे बहुत ज़ोर से लग गया, जो पकड़ने का जो रॉड होता है उससे बहुत ज़ोर से मुझे धक्का लगा और मेरे दांतों को लगा, तो काफ़ी पेन हो रहा है। मेरे दांत थोड़े से टूट भी गए, सर पे भी लगा है। सर तो मतलब वो कटते कटते बचा यहाँ पे, लेकिन थोड़ा स्वेलिंग आ गया है और यहाँ पे भी थोड़ा पेन है। So you might hear my voice a little bit of different because I hurt myself very badly. तो बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगी आज मैं, तो आज आप लोगों को ज़्यादा visualize करवाऊँगी। So please bear with me for next 2-3 days.
गाइस हम लोग हाईवे पे चाय पीने के लिए रुके हैं और नेशनल हाईवे अभी 70 किलोमीटर के बाद आएगा और वो स्ट्रेट जयपुर तक ही वो कंटिन्यू रहेगा। तो यहाँ पे एक देखो छोटा सा ढाबा है, वहाँ पे हम लोग चाय पीने के लिए रुके और मेरी दांतों की हालत जो है थोड़ा सा बेटर है, लेकिन पता नहीं मेरी दांत क्या होगी उसके बाद। जयपुर में जाके डेंटिस्ट को दिखाएंगे। मज़ा करने के लिए थोड़ा 5-10 मिनट के हॉल्ट के लिए परफेक्ट जगह है, खाली खाली है। और वहाँ पे ढाबे में देखो लोग पूछ रहे हैं कि मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे। बट गाइज ऑनेस्टली वी आर इन्जॉइंग अ लॉट, वी आर टेकिंग ऑल काइंड ऑफ प्रिकॉशंस एंड डेफिनेटली बहुत मज़ा आ रहा है। इतने दिनों के बाद वो बोलते हैं ना पिंजरे से जब पंछी को निकालो तो कितना खुश हो जाते हो, वैसे हम लोग खुश हो गए। तो गाइज अभी हम लोग का ब्रेक ख़त्म हो चुका है, अभी हम लोग जा रहे हैं और आप लोग देखते रहो उसके व्यूज और डेफिनेटली हम लोग कनेक्ट करेंगे थ्रू कॉमेंट्स। So keep watching Traveling Bongs and also follow us on Instagram travelingbongs_official, वहाँ पे बहुत सारे पिक्चर्स हैं, तो यू कैन गो एंड चेक इट आउट। गाइस अभी हम लोग हैं जयपुर हाईवे पे और काफ़ी टाइम से लंच के लिए ढूंढ रहे थे, लेकिन काफ़ी दूर तक रेस्टोरेंट वगैरह कुछ नहीं था। सो फाइनली जब जयपुर हाईवे टच किया तो वहाँ पे एक रेस्टोरेंट दिखा, ये होटल पे मेरे पीछे जो दिख रहा है, ये होटल पे हम लोगों ने अभी अभी लंच किया और अभी के टाइम हुआ है 4:15 बजे। अभी भी 225 किलोमीटर क्रॉस करना बाकी है। एक साथ में जब फर्स्ट ट्रिप लिया था तो 300 किलोमीटर क्रॉस किया था और उसके बाद 150 के ज़्यादा किलोमीटर क्रॉस किया और अभी भी 225 किलोमीटर क्रॉस करना बाकी है। वेदर काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, बारिश वारिश नहीं है और धूप है बहुत ज़्यादा, देख सकते हो कि बहुत धूप है। और मैंने बहुत मुश्किल से लंच किया, खाया नहीं जा रहा है मुझसे, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिर से और आप लोगों को मिलते हैं हाईवे पर। I want
कंपैरिजन टू जैसलमेर जयपुर थोड़ा सा क्राउडेड है, लेकिन अल्टीमेटली हम लोग पहुँच गए, फिर होटल में चेक इन किया और बहुत भूख लगी थी हम लोगों को, क्योंकि हम लोगों ने बीच में और ब्रेक नहीं लिया, नहीं तो फिर और लेट हो जाते हम लोग। इसके लिए हम लोग होटल में आ गए और अभी अभी जस्ट डिनर किया, रूम में आए। सो आज की वीडियो यहीं पे एंड होती है। अगर जिन लोगों ने कल का व्लॉग नहीं देखा है सो प्लीज़ गो एंड वॉच इट। और ट्रैवलिंग बॉन्ग्स इज अवेलेबल ऑन इंस्टाग्राम एंड आवर इंस्टाग्राम हैंडलर नेम इज़ ट्रैवलिंग बॉन्ग्स _official, सो यू कैन गो एंड चेक आउट देयर आर पिक्चर्स। बहुत सारे पिक्चर्स वहाँ पे अपडेटेड हैं। और अगर हमारी व्लॉग्स और ये एपिसोड्स आपको अच्छा लग रहा होगा, इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड ये वीडियो अगर अच्छी लगी सो डेफिनेटली एक लाइक बनता है, और सब्सक्राइब जब करेंगे उसके साथ में ज़रूर ऑल घंटी दबाइए, ताकि जब भी हम लोग नए कहीं डेस्टिनेशन की वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन फ्री में आप तक पहुँचेगी। तो आज के लिए यहीं पे समाप्त होता है आज की ब्लॉग। तब तक के लिए गुड नाइट एंड शुभ रात्रि।